वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। एक नारायण की बात बताया, संसार की वस्तुएं जितनी मिलती है उन वस्तुओं के साथ क्रिया का संबंध है, मानो करेंगे तो वो पाएगा। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति की चीज है, ये जैसी क्रिया चलना फिरना बोलना ये सब क्रिया है, सुनना ये सब प्रकृति का कार्य है, और ये पदार्थ जितने की ये प्रकृति का कार्य है। तो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के साथ कर्म का संबंध है, परंतु परमात्म तत्व है वो क्रिया और विक्रिया के रहित है, उसमें क्रिया नहीं विकार भी नहीं। तो उसकी प्राप्ति के लिए किए जाए ये भी ठीक है, परंतु असली उसके लिए क्या उपाय, उसके लिए भाव और ज्ञान है, दो मार्ग, भाव मार्ग ज्ञान मार्ग, भाव मार्ग भक्ति का है, ज्ञान मार्ग ज्ञान का विवेक का, विवेक मार्ग भाव मार्ग। तो विवेक के द्वारा मैं जड़ नहीं हूँ,
ये क्रिया रूप नहीं हूँ, पदारूप पदार्थ रूप से नहीं हूँ। मेरा स्वरूप क्रिया और पदार्थ रूप नहीं है, ये विवेक के द्वारा बोध होगा। क्योंकि शरीर है ये मैं नहीं हूँ, और मेरा भी नहीं है, और मेरे लिए भी नहीं। तीन बातें, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और मेरे लिए नहीं। शरीर परिवर्तनशील है, मैं वैसा ही रहता हूँ, और शरीर के घटने बढ़ने से मेरे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, तीन बात की, शरीर मैं नहीं हूँ, और मेरा नहीं है, और मेरे लिए नहीं। शरीर बदलता है, बल बच्चा था, जवान हुआ, बुढ़ा हुआ, योगी हुआ, निरोग हुआ, शरीर बदलता है, और मैं बदलता नहीं हूँ। मैं वही बचपन हूँ, जवान हूँ, वृद्धा होता हूँ, रोगी होता हूँ, निरोग होता हूँ, मैं वही रहता। शरीर में क्रिया होती है, मेरे में क्रिया नहीं होती। शरीर देखने में आता है, मैं देखने में नहीं आता हूँ। दृष्टि इंद्रियों का मान बुद्धि किसी का भी सही, और मेरे लिए सही नहीं। शरीर से मेरे में परिवर्तन नहीं होता। शरीर कितना ही कुछ हो जाए, देवता बन जाए, राक्षस बन जाए, बड़े ब्रह्म लोग बन जाए, क्योंकि वो एक शरीर मिलेगा, इसमें ऊंचा नीचा कितना ही हो जाए, तो मेरे लिए नहीं। और मेरे से ये सत्ता पाता है, इससे शुद्धि मेरे से होती है, मेरी शुद्धि शरीर से नहीं। शरीर न रहने पर मेरी शुद्धि स्वतः स्वाभाविक है, शरीर की स्वतः शुद्धि नहीं, नित्य तत्व से प्रकाश होती है। तो ये विवेक मार्ग है, इस विवेक मार्ग से जड़ता का सर्वथा त्याग करने से असली तत्व की प्राप्ति होती है। इसमें क्रिया और पदार्थ मुख्य नहीं है। माना ऐसा श्रवण मन निधिध्यासन ध्यान समाधि होती है, सविघ्न होती है, निर्विघ्न होती है, सबीज होती है, निर्वीज होती है, समाधि, ये सब प्रकृति का काम है। कारण सहित सूर सुख और कारण सहित ये सब प्रकृति का काम है, मेरा संबंध इससे नहीं। इसे जब अतीत होता है, समाधि से व्यतीत होता है, तब वो स्वरूप को प्राप्त होता है। तो स्वरूप को प्राप्त सदा ही है, केवल स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ संबंध माना अविवेक से वो विवेक साथ जाता है। अपने तरफ में स्वरूप विधि स्वतः होती स्वाभाविक, वो क्रिया से नहीं होती, उद्योग से नहीं होती, प्रयत्न से नहीं होती, किसी के सहारे से नहीं होती है, स्वयं को होती, तो स्वयं को ही स्वयं की प्राप्त होती है, ये विवेक मार्ग। और भक्ति मार्ग वो है, भाव मार्ग है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का, उसमें भक्ति की भाव की प्रधानता रहती, विवेक का अभाव नहीं, विवेक की प्रधानता में प्रधानता भाव की है। ऐसे विवेक मार्ग में भी भाव की जरूरत है, भाव को विवेक प्रधानता, जैसे बालक अपनी माँ को माँ मानता है, उनका माँ क्यों है तर्क नहीं लगते, इसमें है विवेक के द्वारा आप देखो तो सिद्ध नहीं होता। ये मान्यता होती है माँ, किसी ही मनुष्य ने उसने किसी ने माँ को देखा नहीं, माँ को मानता है, क्योंकि जिस समय में जन्म हुआ उस समय का होश नहीं है कि मैं इस तरह से जन्मा हूँ, मां से इस वास्ते मां मेरी है, ये भाव से है, मान्यता से है, यहाँ विवेक काम नहीं करेगा, मान्यता काम। ऐसे भक्ति भाव में भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। शास्त्र कहते हैं ममे वंश जीव लोगे, लोग कहते तुम इसका बेटा है, शास्त्र कहते हैं मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाश, संत कहते हैं, भगवान कहते हैं ममे वंश जीव,
इस भाव से मानना चाहिए। दृढ़ता से मान्यता होती है वो ज्ञान की तरह ही काम करती है, और अगर जड़ बोध में परिणत हो जाती ज्ञान बिगड़ता, भाव से अगर जड़ ज्ञान बिगड़ता, जो विवेक मार्ग से बोध होता है वही बोध इससे बहुत भगवान कहते हैं मत्स्य मत मतलब पुराना ज्ञान के द्वारा अज्ञान मैं दूर कर देता हूँ। जिसको गुरु को प्राप्त हो जाए तो उस गुरु को ज्ञान प्राप्त करना नहीं पड़ता, स्वतः बोध हो जाता है भगवान की कृपा से। जैसे बालक का पालना भी गुरु से आपका होता, बालक को गढ़ना नहीं पड़ता, मोटा होना नहीं पड़ता, उसको कुछ करना ही स्वतः ही भगवान गुरु निकल जाता। ऐसे बहुत भक्त होता है भगवान के सर्वोग भगवान की कृपा से ही बोधवान हो जाता, सब कुछ मिल जाता है, ज्ञान योग ये सब भगवान मेरे में भगवान। साफ शर्त इतनी है कि भगवान की सेवा की जमीन नहीं है, ये दृढ़ता होता है। गलती ये होती है कि सही को अपना मानता है, मन को अपना मानता है, बुद्धि को अपनी मानता है, योग्यता को अपनी मानता है, विद्या पढ़ रही उसको अपनी मानता है, और कुटुंब को अपना मानता है, घर को अपना मानता है, ये अपना मानता ये बदल। मेरा मैं बड़ी सार बात कह दी, मेरे तो गुरु घर गोपाल दूसरों मेरे थे गुरु घर गोपाल, ये तो हाई लोग कह सकते हैं हमारे भगवान है, और दूसरों में कोई इसमें फैल हो जाते सम्मान होते सही को अपना मान लिया, मन बुद्धि को अपना मान लिया, मन बुद्धि नहीं अहम अहम मैं जो कर रहा हूँ ये मैं अहंकार भी प्रगति का कार्य है, ये भी मेरा नहीं है, मेरे तो केवल भगवान है और मैं केवल भगवान का हूँ और किसी का नहीं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वयं चिन्ह में तत्व के लिए चाहिए क्या, वो है जो का क्यों रहता है, सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना नहीं सो प्रगट देखिए है सो भी है ना देखने नहीं आता नहीं है सबका विज्ञाता है वो कृष्ण कैसे जाने, जानने का विषय नहीं है वो, जान का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं परमात्मा, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो ज्ञान का विषय नहीं, सगुण को कहते हैं ज्ञान का विषय, वो ज्ञान का विषय नहीं है, वो कृपा कर दर्शन दे देते भगवान तब दर्शन हो जाता है, जो ये नेत्रों का विषय नहीं है भगवान नेत्रों का विषय बन जाते, भगवान बुद्धि का विषय बन जाते हैं, बुद्धि को नहीं पा सकते, वाणी को कह नहीं सकती, भगवान वाणी में आ जाते जता देते, सो जाने जी देव जनाई जानो तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो जनाना ही शक्ति है भगवान, परंतु ये अपनी बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा पकड़ ले तो फिर ही पकड़, किसी उद्योग के द्वारा पुरुषार्थ द्वारा क्रिया के द्वारा भगवान को पकड़ने आती जाती तो परमाणु तत्व की प्राप्ति पदार्थों से और परिश्रम से नहीं होती, वो विवेक से तत्व की प्राप्ति होती है और भाव से भगवत प्राप्ति होती है, भगवान का भाव से प्राप्ति होती है, फिर भाव और तत्व एक हो जाता है, दोनों ये बहुत दूर तक ही ज्ञान का भक्ति का स्वर्ग ज्ञानी भक्त नहीं कहीं भेदा उभय हरे भव संभव खेगा, भक्ति में ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, दोनों से ये संसार का खेद है दुख है संभव जाना मन जाता है, हर शोक जाता है, राग द्वेष जाता है, पाप ताप सब हो जाते हैं,
सबसे अधिक अति तत्व को प्राप्त हो जाता है। तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का खास लक्ष्य है। ये उसकी प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला, और उसको नहीं प्राप्त किया तो मनुष्य जन्म से बनती है। उस पक्षियों को देखने में आत्मा जाए मनुष्य बड़ा से तो नहीं खाते मोड़ते खाना पीना के जाने बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं। मनुष्य का कभी सफल होती है जो उस तत्व को प्राप्त ना, और प्राप्त करना क्या है, वो प्राप्त है। परमात्मा दूर हो नहीं सकती, परमात्मा से ये स्वयं दूर हो नहीं सकता। जो अंत में एक हो जाते तो पहले भी एक है कभी एक होते, और दूर होता है अलग होता है, पहले से अलग होता है वही अलग होता है। शरीर से हम अलग हो जाते हैं तो हम सही पड़ा रहकर हम चल देते हैं, और सही यही रहता है सही के साथ हम नहीं रहते, और हम चल देते हैं तो सही हमारे साथ नहीं चलता। तो शरीर हम दो हैं, तो अभी वर्तमान में भी शरीर हम दो ही हैं, एक नहीं हो सकते। जैसे शरीर और हम दो है एक नहीं हो सकते, ऐसे परमात्मा और हम भिन्न नहीं हो सकते, ये दो नहीं हो सकते। परंतु शरीर के साथ मेरापन कर लेने से दो अपना अनुभव, ये जड़ चीज है नाशवान है क्षण भंगुर है, इसको मैं अथवा मेरा, इस जड़ चीज में अपने को रख देते हैं तो मैं हो जाता है, और मैं इन चीजों को मेरे में लेते तो मेरा हो जाता है। शरीर में अपने को रख दिया ये मैं शरीर हूँ, और इसमें मैंने भीतर रख दिया मेरी घड़ी है, तो अपने को जड़ में रख देना अहंकार है, और जड़ को अपने में रख देना ममता। निर्ममो निरहंकार है शांति, ममता अहंकार दोनों लिखने के लिए शांति प्राप्त हुई। निर्ममो निरहंकार यहाँ पर कर्मयोग से निर्ममो निरहंकार सब दुख का स्वरूप समी 12वें अध्याय में निर्ममो निर्मो होता है वो फल हो जाता है, भगवत भक्त वो भी निर्ममो निरहंकार हो जाता है, और योग से निर्ममो निरहंकार हो जाता है, और ज्ञान से भी अहंकारम बलम नरपम कामम क्रोधम परिक्रम विमोच्य निर्मम शांत ब्रह्म हो जाएगा। तो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है अहंकार ममता मैं और मेरा। संतों की वाणी में आया है कि मैं मेरी का त्याग, ये बार का त्याग त्याग नहीं, मैथन का त्याग है वो वास्तव त्याग है। और एक बात मार्मिक है कि त्याग उसी का होता है जो हमारे से अलग होती है, अपने स्वरूप का त्याग नहीं हो सकता। स्वरूप का त्याग कैसे हो गया, एक दूसरा त्याग कैसे हो, तो स्वरूप के सिवाय मैथन मान लिया है इसने, जड़ बैठने को रख करके मैपन कर लिया, इस मैपन का त्याग हुआ। तो त्याग उसी का जो अलग है, और प्राप्ति उसी की होती है जो प्राप्त है, कोई नई प्राप्त नहीं होगी। नई प्राप्त होगी तो फिर वियोग हो जाएगा, क्यों योग संयोग होता होगा वियोग होता है, तो नई प्राप्ति होगी तो फिर कभी अप्राप्ति हो जाएगी। वो नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है, और वियोग उसी का होता है जो नित्य वियोग है। संयोग माना है, माना हुआ समझेगा नहीं, पहले जन्म में किसी माँ को बाप को और को माना, इस जन्म में ए माँ बाप को माना, वहां किसी वस्तु को घर को और का मान लिया, अब और का मान लिया, ये मानी हुई रहेगी, ये मानी हुई सब मिल जाएगी, मानी हुई एकता रहेगी, और स्वतः सिद्ध एकता को बिजती नहीं। कितना उद्योग करे अरबों जन्म हो जाए तो भी परमात्मा के साथ इसका संबंध कभी अलग नहीं है, टूटता नहीं, क्यों मेरा देव है उसका अभाव नहीं होता, और अभाव होता है वो है नहीं होता। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगत देखिए है सो दिखे, तो जानने वाला है सबको देखने वाला नहीं है। कैसे आंख से हम दुनिया को देखते हैं, परंतु आंख से आंख नहीं देखती, आंख क्या है कि जिससे हम देखते हैं वो आंख, ऐसा मान सकते हैं, पर आंख को देख नहीं सकते। दर्पण में भले आंख के आकृति को देख लो, पर आंख को देखने की शक्ति है वो देखते नहीं, वो अतिंद्रिय है,
देखने की शक्ति दीखती है। जैसे आंख से शंकु देखते आंख नहीं देख सकती, ऐसे जिस ज्ञान से अनंत ब्रह्मांडों में संसार को देखते हैं, उन ज्ञान स्वरूप है वो दीखता नहीं है, वो देखने का विषय नहीं है। बुद्धि और इंद्रियों का मानी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। इन मनसा नमन के तेना ये ना हो मनो मुखम तदेव ब्रह्म तुम बुद्धि वेदम यदम उपासदम नहीं है। ये जितना वो जानने वाली सोना उसके परमात्मा है, वो आत्म तत्व है, वो स्वयं ही स्वयं ही आत्मा आत्मा के चतुर गुरुत्म। अर्जुन ने यही कहा उसमें क्या है, ये आत्मा आत्मा निष्ठा आप ही अपने आप को आप जानते हो, ये बात की बुद्धि का जान नहीं सकता। और जिसकी प्राप्ति होती आत्म नहीं वो आत्मा तुष्ट सिर्फ तुम्हें चले आत्म ने यही आत्मा तुष्ट ज्ञाने आत्म ने के आत्मा 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 से आत्मा को देखते अपने आप से अपना ये तो आत्म अग्रे विषाद आत्म आत्म संतुष्ट उससे कार्य नहीं होते। ये अंतर सुबह अंतर आराम आराम पर ज्योति देवी है सहयोगी गुरु निर्माण ब्रह्म को दिया सब तो वो स्वयं से ही स्वयं जान रहे दूसरे द्वारा नहीं इंद्रियों के द्वारा नहीं मन बुद्धि के द्वारा नहीं। यदि भी कहा बुद्धि ग्राह्य मतेंद्रियम कहा तो बुद्धि ग्राह्य का मतलब बुद्धि जागृत रहती है। एक अंदर समाधि बुद्धि जागृत रहती है, बुद्धि के द्वारा वो पकड़ में नहीं आती, आंखों से देखने में आती है वो चीज, आंख से कमजोर होती है, कम होती है, छोटी होती है, देखने की शक्ति ज्यादा होती है। हाथ से हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो पकड़ने में आई चीज हाथ से छोटी वो पकड़ने में आती है, हाथ से बड़ा हो मकान आता। ऐसे मन बुद्धि आदि इंद्रिया ये परमात्मा के पकड़ में से ये तुझ से उत्पन्न हुई हुई है, वो अनुपम तत्व सदै सिद्ध तत्व है, इनके द्वारा पकड़ में से। हाँ इनसे उसके उपासना होती है, चिंतन होता है, जब होता है, कीर्तन होता है, उससे उसकी प्राप्ति हो जाती है। वो भूति अंत में कृपा से कृपा करके अज्ञान जन अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ। ये अपनी शक्ति से वो पार नहीं सकता, दे नहीं सकता, शरण हो जाता है तो सर्व पापी मौसम चिंता मतलब सर्वदा शरण हो जाता, सर्वदा शरण वही है जो संसार में किसी चीज को अपनी नहीं मानता, अपनी मानता है उसके वो शरण है। रुपयों को बढ़िया मानता है, रुपयों में शरण है, बेटो पोतों को अपने लिए मानता है, बेटे पोतों को शरण है, विद्या बुद्धि योग्यता मानता है, योग्यता के शरण है, किसी का ही सहारा लेता है तो उसका वो गुलाम हो जाता है, दास हो जाता है। किसी वस्तु का कभी भी गुलाम नहीं होता, वो भगवान का स्थूल सूक्ष्म और कारण किसी शरीर के साथ उसका संबंध है, किसी शरीर की कभी किंचित मात्र आवश्यकता नहीं, उधर ख्याल ही नहीं, तब वो परमात्मा तो अनन्य भाव से चाहे स्वरूप में से हो जाओ, अनन्य भाव बनाने के लिए विवेक को काम ले लो, जब मेरा स्वरूप नहीं चाहे भाव काम ले लो, भगवान विवेक से संसार मेरा नहीं है ये मुख्य कारण, और भक्ति से भगवान ही मेरे है और मेरा नहीं है ये तो भाव का ही जाना है, भाव से समझ में आती है तो भाव का भाव के द्वारा तो ज्ञान मार्ग वो त्याग के द्वारा जड़ता का त्याग करना, त्याग जिसका होता है उसका अपना संबंध नहीं है, अपना स्वरूप का त्याग होता है। तो विवेक के द्वारा त्याग कर उसको प्राप्त कर सकते हैं, और भक्ति के द्वारा भाव से उसको प्राप्त कर केवल भाव, तो भाव इतना भेद होना चाहिए जिसे कभी किंचित मात्र भी फर्क न पड़े। जैसे प्रणाली का भाव है, कर्म है, खुद में सब जगह भगवान है, आग से वो डरते नहीं, आग वो डरते दर्श नहीं, तो आग जगह नहीं सकते, उसका भाव इतना विलक्षण है, वो भाव की एक इस ज्ञान से भी एक विलक्षणता है भाव में, भाव जब तेज होने से शरीर में विलक्षणता आ जाती है। ज्ञान
मार्ग में चलने वाले के स्वरूप में स्थिति हो जाती है, शरीर में विलक्षण तो नहीं आती, उसका शरीर पवित्र होता है जरूर, इसमें संदेह नहीं, विलक्षण तो नहीं आती, भाव ऐसा होता है वो भाव चिन्ह में होकर के शरीर को विलक्षण बना, वो आग में मिलता है, प्रहलाद आग में बैठा है, कैसे है कहते हैं कश्य तात ना गात्र सन्ने दो, पिताजी मेरे पास ना आने देते हैं, वो कहता है राम नाम जब तो राम नाम जब तक राम नाम जपते होने वाले जपने वाले को कहता है सर्व ताप हम नहीं कभी सब ताप संताप उनको शांत करने का एक अभिपी रामबाण उदय है, राम नाम ऐसी हो गई राम नाम, तो राम नाम जपतां तो हो वयम सर्व ताप समने देहजम कश्य ताप मम ग्रात सन्निधो पाप को किस सलिलाए दे मेरे सही के पास नाम ले लो तो अग्नि भी जल की तरह उपासना चंदन भी उधर पंख भी होगा उपासना चंदन पंख भी होगा जैसे कादा हो केवल चंदन का इतना कादा हो तो ठंडा ही चलेगा ऐसे चंदन पंख शीघ्र ऐसा आवरण पश्चिता जो आवर नहीं करो देखे वैसे बीच में चल जाए तो आ नहीं सकता उनको आवरण नहीं करती ऐसे लक्षणा भाव शक्ति भाव शक्ति अलौकिक है विलक्षण ऐसे से भाव शक्ति ऐसे ज्ञान से विलक्षण है ज्ञान से जनता का संबंध से हो जाता है क्योंकि जल रूप है नहीं जन्मय है स्वतः है वैसे भाव से भगवान को जगा ज्ञानी महात्मा को भी जना देते हैं वो ताकत नहीं है भगवान जनाते वो सुनते नहीं भगवान कृपा को जना देते जाना तुम्हारी कृपा तुम जाएगा वो नंदन भगवान का भाव विशेष हो जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं दर्शन से देते हैं सब कुछ जाने जाते हैं सब कुछ बना देते हैं सब कुछ भगवान आनंद होना चाहिए शरण दूसरा सारे साहब एक दान करो माने दान की सोपिए जाए देखे महान दूसरे का सहारा होगा भगवान को कह रहे हैं एक बांध स्वभाव एक बांध पहनेंगे सो किए जाके दूसरे न आने के और तो कोई सहारा नहीं अनन्य भाव